अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं फिर से आज कच्चा साहब विज़िट कर रहा हूँ। एक जनरल सा हमारा विज़िट है और मैं दिखाता जाता हूँ, काफ़ी सारा सामान भी आया है। रोड्स वगैरह आज बंद हैं, कोई दरगाह जलसा टाइप का प्रोटोकॉल है। काफ़ी सारे ये देखें आपको मिल जाते हैं, ये कवर वगैरह, ये DVR भी हैं छोटे मोटे, हर तरह के डिफरेंट से। यार मुझे अपने लिए एक छोटा DVR चाहिए, सिर्फ शोशा के लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो साइज़ चीज़ मिल नहीं रही। बहरहाल काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ से। ये देखें मल्टीमीडिया सा है इसके साथ, और ये बैक व्यू मिरर टाइप है भी ब्लूइश शेड में, अच्छी चीज़ है यार। ये वाले एयर जो आपका हवा वाला पंप आता है उसके साथ ये लिक्विड आते हैं, ये भी काफ़ी सारी तादाद में मिल रहे हैं। ये छोटे हरन हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये भी परचून में काफ़ी कुछ है। खैर आगे चलते हैं, मार्केट देखते हैं। और भी इस तरफ भी काफ़ी सारे परचून वाले बैठे हैं। ये ऐसे देखें पोटवार जीप है, ये उसका भी सामान है, ये बैक कट है इसी गाड़ी का। आल्टें शर्टें भी काफ़ी सारी आई हैं, ये गंडे का सामान है, रैप हुआ है। ये बम्परों को भी इस तरीके से ना जोड़ दिया जाता है, जैसे ये पूरे की पूरी लॉट पड़ी है तो डेफिनेटली फ्रंट होंगे, बैक होंगे बम्पर, तो ये भी इसी तरह लॉट में सेल होते हैं। यहाँ पे होलसेल में दुकानदार यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा इंजनों में ये देखें, जैसे होंडा का ये हाइब्रिड इंजन है अर्थ ड्रीम, तो पूरा सेटअप है जनाब नए वाले ये होंडा का। इसके बाद ये टोयोटा के भी कुछ सेटअप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो बड़े बेहतरीन खूबसूरत से डिफरेंट इंजन ये होंडा में आपको और टोयोटा में भी मिल जाते हैं। यहाँ से ये सुजुकी वाले कुछ के टाइप के इंजन हैं, इनकी भी लॉट है सारी। तो काफ़ी सारी तादाद में आज सामान मौजूद है, उस हिसाब से ख़रीदार आज बहुत कम है। ये भी हाइब्रिड, और इसके अलावा ये देखें ट्विन कैम में काफ़ी सारे इंजन भी मौजूद हैं आज यहाँ पे। कुछ इस तरफ भी ये वाले इंजन मौजूद हैं, ये काफ़ी सारी तादाद में, और अगेन आज ख़रीदार बहुत कम है। और रोडें बंद होने की वजह से इतना रश नहीं है यहाँ पे, वरना वैसे सामान वगैरह आया है, क्योंकि पूरे का पूरा हफ्ता यहाँ पे सामान आता है और दो दिन ये बोली के होते हैं। इस तरफ ये कंटेनर जो है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरे का पूरा कंटेनर ये जो हाल ही हो चुके हैं, और डिफरेंट इसी से सामान निकाल के यहाँ पर रखा जाए। अच्छा जनाब ये किसी गाड़ी का, जैसे देखें हाफ कट पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, तो जनाब ऐसी गाड़ी को काटने का तसव्वुर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ियाँ कट जाती हैं। ये जैसे देखें सुजुकी में इन जीपों को रिकारों की सीटें आई हैं, ये जीप्स वगैरह में, तो बैक साइड से देखें सीट बड़ी मज़े की है। ये भी कुछ स्पोर्ट्स टाइप सीट लग रही है मुझे जी, रिकारों की बड़ी ज़बरदस्त सीट है यार, लेकिन ये फटी हुई है। समटाइम ने इसको ख़ुद भी डैमेज किया जाता है जब स्क्रैप की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन ये आप सीट चेक करें, ये मेरे ख्याल में सिंगल ही सीट है, और पोशिश वगैरह वैसे ज़बरदस्त है, ये चीज़ ये कट वगैरह है, और ये वैसे देखिए सीट मज़े की है। वैसे ये इसकी कोई एडजस्टमेंट है इसी सीट की, तो अगर पेयर हो तो यार मैं कहता हूँ कि इसको अगर बंदा फिट करा के लगाए तो पूरी एक प्रॉपर बकेट सीट है ऊपर से ये नीचे तक, ये आप चेक करें। इस तरफ ये कुछ ऑल्टो हैं VXR, क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में भी बहुत मौजूद है, और साथ साथ दिखाता हूँ आपको ये सुजुकी पिकअप, ये तो खैर बहुत चलती है अभी, तो मेरे ख्याल में बुलान वगैरह इन्होंने बंद किया है, लेकिन ये पिकअप का सामान भी बहुत आ रहा है और ये बहुत चलता दिखता भी है। इवन की पूरी पूरी गाड़ी है, फ्रंट उनके कटे हुए हैं, और फ्यूल टैंक है कुछ गाड़ियों के साथ, मिक्सिंग का टब वगैरह भी आते हैं यार, कट कुट के डाले हैं टब हैं, और ये चेक करें अगर आप, ये भी चीज़ें मिलती हैं। ये देखें जी हम हर दफ़ा इस मामे के पास आते हैं, काफ़ी सारी नयाब नयाब चीज़ें मामे ने ढूंढ के लगाई है। 3 नंबर प्लेट्स के फ्रेम्स हैं काफ़ी सारे, बड़े अच्छे से करके सिगरेट लाइटर लगा दी हैं, और स्टीयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। ये वाली इमरजेंसी लाइट्स हैं, ये भी मामे ने यहाँ पे फिट की हैं, तो थोड़े से रेट ज़्यादा हैं मामे के, लेकिन आप फिर भी आएँ इनसे निगोशिएट करके ना कुछ ना कुछ ले सकते हैं। ये वाले ब्रेक लाइन चेक करें, जैक वगैरह भी हैं यहाँ पे, ये ETC हैं, इलेक्ट्रिक टोल कलेक्टर होता है ये जापान वगैरह में जिन कंट्रीज में होता है, आप कार्ड इसमें डालते हैं ऑटो आपका टोल डिडक्ट होता है। तो काफ़ी सारा
सामान है ये परचून वालों के पास भी पड़ा हुआ है। ये वाले व्हील स्पेसर हैं, ये हो गए ये देखें, इसमें दो तरह के मतलब व्हील को अगर आपने बाहर निकालना है, ये देखें इस तरह वाला सीन है। इसके अलावा जनाब ये इनके पास देखें शीशे वगैरह कुछ रैप भी करके रखे हैं, ये देखें ये गर्लिश भी हैं, मतलब ये सिटी वाले पिंक वाले भी आपको मिल जाते हैं और मतलब काफ़ी सारी इसमें मिलती है आपको वैरायटी वैरायटी। ये देखें जी मामा के पास ये स्टेयरिंग है, मुझे कुछ अच्छे लगे हैं मैंने का शेयर करता हूँ। ये देखें लेदर स्टिच में ये वाला स्टेयरिंग है, बड़ा खूबसूरत है ये भी, और ये मज़े की बात नरम ग्रिप है यार इसकी, यूनिवर्सल है, एल्यूमिनियम के लाइट वेट है, बस यहाँ से थोड़ा सा टूटा है। अच्छा स्टेयरिंग है यार वैसे, मतलब शेवर लाइट इसके ऊपर लिखे, इसके पीछे ये मोमो वाला स्टेयरिंग है, ये भी यूनिवर्सल आप देखें फरारी वाला, तो ओरिजिनल स्टेयरिंग है, किट वगैरह भी इसके साथ है, फटा कटा नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन है। इसमें ये भी मोमो वाला है, ये मेरे ख्याल में डी स्टाइल के यानी थोड़ा सा ये जैसे पिछले वाला आता है, तो ये इनके पास अवेलेबल है। इसमें ये भी है एक कैटेगरी। हम ये स्टेयरिंग किस तरह दे रहे हैं, ये वाला दोनों 11,000 रुपये के, ये वाले और ये वाले। आप इनके पास आएँ, इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी आपको मिलती है, ये फ्लेयर लाइट्स हैं जैसे चेक करें, ये वाली भी और ये वाली, ये मेरे ख्याल में लग सकती है अंदर वाला सेंटर भी मिरर है, उसके साथ कुछ जुगाड़ू प्रोग्राम हो सकता है, तो ऑल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए भी काफ़ी कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल होता है। ये मामा बिल्कुल PDCL का ये बूथ लगा हुआ है, उसके साथ बैठते हैं, और ये इसी तरह VX आ रहे हैं, ये उनके छत वगैरह पड़े हैं, तो उसके बाद आगे वो बम्पर शम्पर और सीटें वो भी सामान है काफ़ी सारा, ये दरवाजे हैं पिकअप होंगे, तो ये खैर चलने वाला सामान है यहाँ पे जिसकी काफ़ी डिमांड है, उस तरफ आगे भी चलते हैं और दिखाता हूँ आपको आज की डेट में यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। तो नई आल्टो चाल्टो जो कि भी काफ़ी मकबूल हो रही है, जापानी भी आई है पाकिस्तानी भी, उसका सामान धड़ा धड़ा आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल में जापान ने उसको बना के स्क्रैप भी कर दी, और ये देखें बड़े बेहतरीन किस्म के इनके बम्पर हैं, दरवाजे भी रैप हुए हुए हैं, पूरी पूरी गाड़ी है, और ये गंडे का सामान होता है इस तरह, इसको भी चापर चढ़ा के रैप करके भेजा जाता है। देखें कितनी 1, 2, 3, 4, 5 डिग्रियाँ इसकी पड़ी हैं, तो इसका सामान आइंदा आने वाले दिनों में चलने वाला है, अभी फ़िलहाल मार्केट में बहुत आ रहा है। ये आप होंडा देख सकते हैं, ये कैट आई जो है उसकी ये फ्रंट नोजकट है, लाइटें हैं और ये सारा उसका सामान है, इसके साथ साथ दरवाजे भी हैं मेरे ख्याल में, ये होंडा शोंडा की हैं। अगेन इसमें पिकअप वगैरह भी हैं, काफ़ी सारा सामान आज की डेट में जो है ना वो देखने को मिल रहा है, और 4-व्हील ड्राइव पिकअप्स, बस ये परचून है और ये सामान लोड होकर भी जा रहा है। ये वाली सीट को मैंने कल्टी की है जी और आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, ये सीट देखें, ये भी रिकारो है लेकिन पता नहीं किस सेंस में आ गई है, ये इसकी ये वाली एडजस्टमेंट थी मेरे ख्याल में किसी चीज़ से लगा हुआ है, आई डोंट नो। इंजन सस्पेंशन के साथ साथ आपको हर तरह की चीज़ मिलती है, ये देखें फ्यूल पंप की लॉट है, ये वाले आपके स्टेयरिंग रैक हैं जिसे कंगी भी बोलते हैं, उनकी भी लॉट है, ये भी डिफरेंट गाड़ियों के हैं, वे भी आपको मिल जाते हैं। ये फ्रंट वाले रॉड हैं, इसके अलावा ये जैक्स वगैरह हैं, शॉक हैं, मतलब स्प्रिंग के साथ और विदाउट स्प्रिंग, सस्पेंशन भी टोटल गाड़ियों की यहाँ से आपको अवेलेबल होती है। ये देखिए इसमें छोटी से लेके बड़ी चीज़ हर एक मिलती है, ये गियर्स वगैरह ये सारा कुछ। ये देखिए ये स्टार्टर जो हैं, ये मोटर्स वगैरह उनकी लॉट है पूरी की पूरी, ये डिफरेंट चीज़ों में काम आती हैं ये चीज़ें, तो इस तरह से आपको कच्चे स्टॉप पे ये चीज़ें सामान अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे आप ख़ुद भी आएँ, परचून में भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं, होलसेल पे भी ले सकते हैं, आपके काफ़ी सारी चीज़ें काम आ जाती हैं, इंडिविजुअली एक चीज़ चाहिए वो भी मिल जाती है, और सामान ज़्यादा तादाद में चाहिए तो वो भी मिलता है। ये जैसे यहाँ पे काफ़ी परचून वाले भी बैठे हैं, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये इतना इतना बड़ा इंजन है यार कि मेरी और आपकी सोच है, ये बसों ट्रकों के इतने इतने बड़े सेटअप हैं, तो आप अंदाज़ा करें कबाड़ में ये स्क्रैप में ये सारी चीज़ें इस तरह की भी आती हैं, और ये डेफिनेटली बिकती भी हैं तो आती हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का बहुत बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है इसको, ये भी इंजन की कंपोनेंट है, पार्ट है, इनके गियर वगैरह चेक करें, बहुत ही बड़े बड़े।
ये ऑल्टो है, VXR जो आपकी आती है ना उसके, ये जबानी वाले देखें, ये ऑटो में आई है, वेरी गुड। इसके शीशे भी पावर शावर हैं, फोग लाइटों का भी ये बटन है, डिग्गी का भी ये देखें, एयर बैग इनमें से पॉप किए हुए हैं, ये दो डैशबोर्ड हैं, दोनों में से अच्छी सुविधा हुई हुई है। तो ये वाली ऑल्टो जो है ना, ये ऑटो आई है, और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये इस गाड़ी का पिछला बम्पर है। ये बड़ी नहीं, ये कोई जीप स्टाइल की डिफरेंट गाड़ी है जिसका स्पेयर व्हील भी लगता है, गोल यहाँ पे पड़े, ये उसका बम्पर हो सकता है। तो फ्रंट वाला जी ये वाला बम्पर है। अब इस गाड़ी का मुझे आइडिया नहीं हो रहा कौन से वाली गाड़ी है, मैं देख ही रहा हूँ इसको, तो अगर आपको भी आइडिया है, पता है इसका, तो मुझे बताइएगा ज़रूर मुझे। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? नहीं जीप है। अच्छा जीप है, सही है, हाँ मेरा अंदाज़ा ठीक है। तो जीप का ये फ्रंट और बैक वो वाला बम्पर पड़े, इसके अलावा ये देखें इनके, ये सीरा के भी यहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं ये सारे, और इन पार्ट्स में जो है ना ये वाली छतें हैं जीपों की काबली आती हैं, सीट्स बड़े मज़े की हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये देखें एड्रेस इनके चेक करें, बकेट स्टाइल की सीटें हैं इनमें लगी हैं। कच्चा स्टॉप पे नूर शेर गोदाम के बाहर ये भाई मुझे मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? सदीक खान। सदीक खान, सदीक भाई क्या आप मंगवाते हैं, जीपी शीपी मंगवाते हैं? तो जीप का सामान। अच्छा जीप का काम करते हैं? बाहर से। अच्छा जापान से भी? अच्छा जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। तो लास्ट टाइम आपने जो गाड़ी वो कल्टस वाली मंगाई है? अच्छा हाँ जी हाँ जी, वो मिला है, उस गाड़ी का इंजन ढूंढ रहा था बाकी मैं ना, मैंने कहा जिस तरीके से अच्छे तरह आपने वो उसको पैक करके मंगवाया। अच्छा चलो जबरदस्त, जरूर इंशाल्लाह जो है। तो ये देखें भाई का सामान है, ये सीरा शीरा है मतलब जीपों में। अच्छा सुल्तान के खूह में, वो जो कोने में दुकानें हैं मार्केट, अच्छा कचरा गली में, ठीक है सही है। और सीरा में या फिर इनमें किसी भी चीज़ में सामान चाहिए हो तो इन भाई से, ये सदीक भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। होलसेल और परचून का? होलसेल और परचून दोनों मिल जाएगा। कचरा गली में किधर करके? आखर पे दुकान है, ब्रजवी मस्जिद के बिल्कुल सामने, ठीक है सही। खान एंड को औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के परली साइड, परली साइड पे, ठीक है चले मेहरबानी, इंशाल्लाह होगी मुलाकात आपसे, ठीक है मेहरबानी। अच्छा जनाब उस तरफ से शुरू किया है यार सामान देखना दिखाना, और हम लोग पहुँचे इस तरफ, ये बड़ी खूबसूरत ब्रिट्स के बम्पर, बोनट भी गालबन इसी के हैं, और इसी तरह पासो वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी सारा सामान अभी मेरे ख्याल में चला भी गया, और कुछ सामान भी जा रहा है यहाँ से रैप पैक होके। जापानी में भी काफ़ी सारी वैरायटी है सामान में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप खुद भी विज़िट करें, और अपना जो है ये इंजन वगैरह भी उठा रहे हैं अभी, ये होंडा में भी कुछ सामान था, ये VTI ओरियल कैट आई का, तो ये देखिए बैक इसका स्पीकर वाला फट्टा बम्पर, इसके फेंडर्स वगैरह हैं, ये इसका ट्रंक है, और ये बोनट है, बम्पर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सामान अभी लोड हो गए, दरवाजे शरवाजे लोड हो गए हैं, गलबन जा रहे। ये इस तरफ कुछ एक्वा पड़ी हुई है, इसका भी बम्पर शम्पर है, डिग्गी है काफ़ी सारा, और ये आई थिंक सुजुकी की है मेरे ख्याल में, हाँ जी की लग रही है मुझे। अच्छी गाड़ी है यार, मतलब छोटी बड़ी गाड़ी की दरमियानी सी गाड़ी है एक दिन, इसका ये ट्रंक बोनट और ये दरवाजे वगैरह, कुछ ब्रेक बूस्टर हैं सर्वे वगैरह वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इंजन वगैरह में ये देखिए मैं दिखाता हूँ एक ओवरऑल सी लुक, ये कुछ होंडा के इंजन हैं, और कुछ टोयोटा में भी ये सारे, काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। अच्छा यार काफ़ी सारा घूम लिया है अभी, और आपको दिखाइए इधर भी डिफरेंट डेयरी हैं, ये परचून वालों की स्नो चेन काफ़ी सारी तादाद में भी आना शुरू हो गए हैं, ये मिल जाते हैं आपको, अभी मौसम भी आगे आ रहा है इनका, तो ये भी लेना ज़रूरी है। फोग लाइटें हैं डिफरेंट साइज़ों की, यूनिवर्सल ही होती हैं, यूनिवर्सल मुराद है काफ़ी सारी लॉटें बनाई जाती हैं उतार के इनको, ये भी आपको मिल जाती हैं, एयर वाले पम्प हैं, और काफ़ी सारा सामान आप अपनी मर्ज़ी से चुन के भी ले सकते हैं यहाँ से। ये वायर हैं ये मेरे ख्याल में लाजमी होनी चाहिए गाड़ी में, गियर नॉब है, फिट है यार, और काफ़ी सारा मिक्स कर दी है। यार ये वाला बाइक देखा है मैंने सुजुकी का, बड़ा हाई सीन है, पता नहीं किस बाइक है लेकिन ये चेक करें यार, बड़ी फिट सी चीज़ है, वेरी गुड यार, मुझे आइडिया तो नहीं है लेकिन बड़ी प्यारी सी चीज़ है यहाँ।
अच्छा, ये चलते चलते देखा है ये 88-86, ये इनका जो है ना करोला वगैरह इंडेक्स का सामान है, इसी का गत्ता है बैक वाला डिग्गी वाला, बहुत कम आता है यार। लेकिन ये देखें कैसे आया हुआ, ये भी साथ इसके, ये इसकी ट्रंक्स वगैरह मुझे, और ये कुछ गंडे वगैरह सामान जो है मुझे उधर। तो हवादीन हजरात, मैंने आपको घूम फिर के तकरीबन कच्चा स्टाफ सारे का सारा दिखा दिए, और यही था आज का हमारा कच्चे स्टॉप से ब्लॉग। ये जैसे कि आपको पता है सिविक है, लास्ट ब्लॉग मैंने दिखाई है, ये इसी तरह बंद पड़ी है अभी तक, मेरे ख्याल में इसका मालिक नहीं आया, यहाँ सेल नहीं हुई, या बारिशें हो रही हैं शायद इसी वजह से कवर करके रखी है इन्होंने। तो आज की वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।